रतन टाटा का देहांत न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसका समाधान कयामत तक भी संभव नहीं है। हजारों साल नरगिसे अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से समाधान कयामत के तक भी संभव नहीं है। रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद शोक व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक हुई और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा सम्मान मरने के बाद ही क्यों दिया जाता है? लोकसभा चुनाव से पहले भी दिवंगत हुए कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के वर्षों बाद रबड़ी की तरह ये सम्मान बांटा गया था। क्या संविधान में लिखा है कि भारत रत्न सम्मान केवल मृत्यु के बाद ही दिया जाना चाहिए? रतन टाटा का देहांत न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसका समाधान कयामत के दिन तक भी संभव नहीं है। हजारों साल नरगिसे अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से समाधान कयामत के दिन तक भी संभव नहीं है। रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद शोक व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक हुई और सर्वसम्मति से फैसला भी लिया गया कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा सम्मान मरने के बाद ही क्यों दिया जाता है? लोकसभा चुनाव से पहले भी दिवंगत हुए कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के वर्षों बाद रबड़ी की तरह बांटा गया था। क्या संविधान में लिखा है कि भारत रत्न सम्मान केवल मृत्यु के बाद ही दिया जाना चाहिए? अरे जनाब, अगर किसी को इज्जत देनी है तो जिंदगी में दो, ताकि जिसको इज्जत दिए जाए वो खुश हो सके और उसका आनंद भी उठा सके। मरने के बाद देंगे तो उसके फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे कि मरने के बाद देने से क्या फायदा। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिसे भी भारत सम्मान देना है जीवन में दे दें, क्योंकि मरने के बाद उपलब्धियां जीवन में सम्मान के योग्य नहीं होती। सड़क का नाम रखना है मौत के बाद, एयरपोर्ट या स्टेडियम का नाम रखना है मरने के बाद। मोदी जी ने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया, उन्होंने स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम रखा और वह स्टेडियम में बैठकर मैच भी देखते हैं और खुश भी होते हैं और आनंद भी उठाते देखे जाते हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी को उनके जीवन काल में ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जलवा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई देता है। उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच से विश्व में भारत को जो ऊंचाइयां दी है, आज़ादी मिलने के बाद किसी राजनेता भारत को यह मकाम नहीं दिलवा सकता था। उनकी राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक उपलब्धियां भारत रत्न सम्मान की पात्र है, ताकि मोदी जी भारत रत्न सम्मान का आनंद उठा सके।